डेंगू बुखार अलामत की एक हद पेश करता है जो शिद्दत में मुख्तलिफ हो सकते हैं। डेंगू बुखार की आम अलामत और अलामत में शामिल हैं तेज बुखार, मुमकिन तौर पर 105 डिग्री फारेनहाइट 40 डिग्री सेल्सियस, आँखों के पीछे, जोड़ों, पट्ठों और हड्डियों में दर्द, सर में शदीद दर्द, जिस्म के बेशतर हिस्से को ढकने वाले दाने, नाक का मसूरों से हल्का खून बहना, आसान चोट। अलामत आमतौर पर मुतासरा मच्छर के काटने के 4 दिन से 2 हफ्ते बाद जाहिर होती हैं और ये 2 से 7 दिन तक रह सकती है। हल्के मामलात के इंतजाम में हाइड्रेट रहना, आराम करना और एसिटामिन जैसे दर्द कम करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल शामिल है। शदीद डेंगू बुखार, जिसे डेंगू हेमरजिक फीवर DHF या डेंगू शॉक सिंड्रोम DSS भी कहा जाता है, जानलेवा हो सकता है। शदीद डेंगू की इंतबाही अलामत अक्सर बुखार के कम होने के बाद जाहिर होती हैं और उनमें पेट में शदीद दर्द, मुसलसल कह, मसूरों और नाक से खून आना, थकावट, बेचैनी, उल्टी या पाखाना में खून शामिल हो सकता है। अगर ये इंतबाही अलामत जाहिर हों तो फौरी तिब्बी इमदाद जरूरी है। डेंगू बुखार का इलाज के बारे में जानने के लिए हमारी अगली वीडियो देखिए।